हेलो दोस्तों, आप लोगों का ये प्यारा भाई फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। इस नए वीडियो में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आया है, ठीक है। इस नए वीडियो में जो प्यारा क्वेश्चन आया है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक देखना है ना। आप लोग इस वीडियो में बने रहना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्नवली का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाइयों। अब देखो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, जो कि इस प्रश्नवली का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान विधि से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि एक्स इक्वल आर साइन ए कॉस सी दिया है और वाई इक्वल दिया है आर साइन ए कॉस सॉरी y इक्वल दिया है r साइन a इंटू साइन c दिया है और z इक्वल दिया है r cos a हो, तो सिद्ध करना है या फिर प्रूव करना है r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखिए इसमें तीन संबंध दिया है, मतलब मान दिया है, x इक्वल दिया है और y का मान दिया है और z का मान दिया है। उन्हीं तीनों मानों की सहायता से हम लोगों को ये प्रूव करना है आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जो x इक्वल दिया है उसको मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल आर साइन ए कॉस सी दिया है, ठीक है यहाँ तक। और y इक्वल क्या दिया है आर साइन ए साइन सी दिया है, ठीक है। और हमारा z इक्वल क्या दिया है भाइयों आर इक्वल कॉस ए दिया है। जो दिया है उसको तो मैं लिख दिया, तो एक काम करना, जो x इक्वल दिया है इसको एक समीकरण एक मान लेना और y का मान को आप लोग समीकरण दो मान लेना और z के मान को आप लोग समीकरण तीन मान लेना। मान लिए, अब देखो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है, अर्थात देखो प्रूफ करना है, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि वर्ग किया है, वर्ग करके क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो एक काम करो, समीकरण एक समीकरण दो और समीकरण तीन को वर्ग करके जोड़ लो, फिर देखेंगे प्रूफ होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग हिंदी में लिख सकते हो समीकरण एक समीकरण दो और समीकरण तीन को वर्ग करके जोड़ने पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण एक दो एवं तीन को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए वर्ग करके जोड़ते हैं। तो देखो x का स्क्वायर कर लिया, मैं लेफ्ट हैंड साइड को वर्ग करके जोड़ रहा हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। देखो मैं यहाँ पर x का स्क्वायर किया, y का स्क्वायर किया और z का स्क्वायर किया, फिर उसके पश्चात इनको जोड़ दिया हूँ। इसी तरह से ठीक आप लोग राइट हैंड साइड को भी क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो r का वर्ग क्या, r का वर्ग करो, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर a होगा, कॉस स्क्वायर c होगा। समीकरण एक को वर्ग किया, फिर समीकरण दो में जो राइट हैंड साइड है उसको वर्ग करो और एड करते जाओ, तो प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर सी, ठीक है यहाँ तक। उसी प्रकार से जेड के मान को भी तो वर्ग करना पड़ेगा, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, ठीक है। वर्ग करके मात्र इसको मैं ऐड किया हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर जो सेम न्यून कोण जो होता है उनको मैं एक जगह लिख देता हूँ, अर्थात पास पास में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। जैसे कि यहाँ पर देखो है ना, आर यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा उसको भी आप लोग देख लो। ये देखो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, इन दोनों पदों में से इसको कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो चलो कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए को क्या कर दिया, उभयनिष्ठ निकाल दिया। अब यहाँ पर बचा क्या, कॉस स्क्वायर सी, ठीक। इसी तरह से दूसरा पद में भी ये कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर सी बचेगा, यहाँ तक तो क्लियर है सबको, ठीक है। प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ऐसे फार्मूला को मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, है ना। साइन स्क्वायर सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सूत्र क्या बोलता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, एक होता है। और मैं ये भी बताया था यहाँ पर न्यून कोण का मान बराबर होना चाहिए तभी तो एक होता है,
तो यहाँ पर न्यून कोण के जगह में क्या दिया है, सी बस दिया है, तो दोनों तो इक्वल है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख लेना, चूँकि साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान क्या होता है, एक होता है, तो एक होता है तो रखो ना भाइयों, लेट क्यों कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू वन, इसके जगह में एक रख दिया, ठीक है। अब बचा क्या, प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना ना भूलना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, पुनः देखो अब एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन निकल रहा है, क्या दोनों में है, वह तो कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर दोनों पदों में है, तो दोनों पदों में रहता है तो उभयनिष्ठ निकलता है, कॉमन निकलता है, ये तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ से आप लोग आर स्क्वायर को क्या कर दो, कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। अब कॉमन निकाले तो बचा क्या, उसको भी तो लिखना पड़ता है, इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बस ये बचा, और इसका तो फार्मूला आप लोगों को कंठस्थ याद हो गया होगा, इसका मान क्या होता है, एक होता है, इसका मान क्या होता है जी, एक होता है, तो एक रख देते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर गुणा वन, तो आर स्क्वायर का गुणा एक के साथ करने पर क्या आता है, आर स्क्वायर ही तो आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बस यही तो प्रूव करना था। देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमने क्या किया, ये प्रोसेस को आप लोग याद रखना, और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, और मेरे चैनल में बने रहना, मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। ये तो पर्सनली ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पर्सनली को देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब